जी मिश्रा जी, एक शिक्षा मित्र बनिया से कह रहे हैं, शुक्ला जी से बोल दीजिए कि हम हर हाल में हर तत्पर हैं आपके साथ, हम अपनी जान भी देने के लिए आप लोगों के साथ तैयार हैं, संगठन कुछ भी करे हम साथ हैं। हम आपको बधाई देते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे साथियों के बल पर ही हम अपना नमस्कार, आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप सभी उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से संबंधित हैं। तो इन्हें रसमलाई परोसो और हमें सूखी सेम आलू की सब्जी खिलाओ, ये तो नाइंसाफी है। हमें अरे सेम आलू क्यों? आप उन्हें रसमलाई खिला रहे हैं तो भाई हमारे हक में जो मेरा अधिकार था, मैं 3 वर्ष सहायक अध्यापक था तो सहायक अध्यापक के पद पर खुद को तो ही मैं मांग रहा हूँ। हम शिक्षा मित्रों के अस्थायीकरण की बात ही तो कर रहे हैं, हमें हमारा सम्मान मिल जाए, हमसे क्या मतलब। आप पूरे दुनिया को नौकरी दीजिए, हमारे पास केवल 1.5 लाख लोग हैं, 1.5 लाख को आप कर दीजिए, उसके बाद पूरे प्रदेश के डीएलएड को नौकरी दीजिए, बीएड को नौकरी दीजिए, बीपीएड को नौकरी दीजिए, सीपीएड को नौकरी दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं। और ना मैं आज तक किसी भी प्रकरण में, चाहे सुप्रीम कोर्ट में गया चाहे हाई कोर्ट में, जब लोग गए तो मैं काउंटर में गया, मैं अपने जवाब में गया, और मैंने किसी का विरोध ना करते हुए केवल अपने बचाव पक्ष की लड़ाई लड़ा। अगर मैं विरोध करता होता तो ये जो आज हो रहा है ये 10 साल 17 में ही हो जाता, 15-16 में ही हो जाता। तो इसलिए मुझे विरोध किसी का नहीं करना है। हम लोग बड़ा हृदय रख करके, बड़ा दिल रख करके सबका सम्मान करते हैं, सबका स्वागत करते हैं, क्योंकि नौकरी जाने का दुख कैसा होता है वो हम लोगों ने झेला है। हमारे बीच में 8,000 9,000 लोग नहीं रहे, उनके बच्चे अनाथ हो चुके हैं, उनका परिवार रोड पर है। तो इसलिए हम लोग किसी को डिस्टर्ब ना करते हुए केवल अपनी बात कहना चाहते हैं कोर्ट से, और उसमें हमें लगता है कि हमारे साथियों का सहयोग करना चाहिए, और सभी साथियों की मनसा के अनुरूप ही हम लोग गए हैं। नहीं तो 5-7 साल में हम लोग कोर्ट का चक्कर छोड़ दिए, तमाम